सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। रंका प्रखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में एसपी के निर्देशानुसार रंका थाना प्रभारी रामेश्वर उपाध्याय, एसआई पिंकू कुमार, एएसआई सरवन कुमार के द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के छात्राओं का क्लास जागरूकता संबंधित थाना के पदाधिकारियों के द्वारा ली गई। इस संबंध में रंका थाना प्रभारी रामेश्वर उपाध्याय ने कहा कि एसपी के निर्देशानुसार कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्राओं को जागरूकता हेतु क्लास ली जा रही है, जो एसआई पिंकू कुमार एवं एसआई सरवन कुमार के द्वारा छात्राओं को जागरूकता संबंधी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों से कैसे बचना है और कुछ होने पर तुरंत रंका थाना से संपर्क कैसे करना है इत्यादि की जानकारी दी गई। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं को यह सब जानकारी दी गई। वहीं जीके, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी की भी क्लास अलग से ली गई। मौके पर विद्यालय के छात्राओं के साथ वार्डन मीनाक्षी कुमारी एवं विद्यालय के सभी शिक्षिका मौजूद थी। रंका से विकास कुमार। निर्देशानुसार स्पेशल पुलिस कैडेट की ओर से एसपीसी क्लासेज लिए जाने का निर्णय है और उसमें कुछ स्कूल को चूज किया गया है, जिसमें हमारा रंका का कस्तूरबा विद्यालय है, तो इसे एसपीसी के तहत चूज किया गया है और इसमें आज हम लोग क्लास ले रहे हैं। पदाधिकारी में आए हैं हम, ऑफिसर इंचार्ज एसआई पिंकू कुमार और एसआई सरवन कुमार जी आए हुए हैं। 8 और 9th का क्लास लिया जा रहा है। इसमें बच्चों को जिस विषय में दिक्कत हो रहा है ज़्यादातर उस ओर हम लोग ध्यान दे रहे हैं और अपने सुरक्षा कैसे करें, सड़क पर चलने में हम लोग अपना सुरक्षा कैसे करें, किसी अन्य व्यक्ति है जो हमारे समाज में असामाजिक तत्व हैं उनसे कैसे बचें, इस बाबत भी सभी बच्चियों को बताया जा रहा है और जो भी कठिनाई है हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं।